सब्सक्राइब टू दिस चैनल व्हाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे, डिविज़न ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। तो मान लीजिए कि जे जॉन है, राइट, जॉन ने एक 6 सेंटीमीटर पेपर ऑफ स्ट्रिप कट की है, राइट, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब वो क्या कर रहा है कि उस स्ट्रिप को वो स्मॉलर लेंथ में कट कर रहा है, राइट, जिसकी पर्टिकुलर एक जो लेंथ होती है वो 2 सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ पर सेम लेंथ को 2-2 सेंटीमीटर में उसने कट किया। तो अब यहाँ पर ईच लेंथ, राइट, अगर ईच लेंथ की अगर बात करें तो ईच लेंथ इज़ नाउ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हर एक की लेंथ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो गई, राइट। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमें कैसे मिला, ये जो आंसर है वो कैसे हमें मिला? तो बेसिकली 6 अपॉन, यहाँ पर बेसिकली हमें 2 करना है, राइट। तो नंबर ऑफ कितने स्ट्रिप्स मिले वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स होंगे क्योंकि हर एक की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल 3 स्ट्रिप्स मिले, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगेन जॉन के पास 6 सेंटीमीटर लंबी एक पेपर स्ट्रिप है, राइट, और अब वो पर्टिकुलर पेपर स्ट्रिप को यहाँ पर 3/2 सेंटीमीटर, राइट, 3/2 सेंटीमीटर में वो कट करता है। तो 3/2 सेंटीमीटर में कट करना मतलब कि यहाँ पर ईच लेंथ इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 6 अपॉन, अब 3/2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, राइट, तो 3/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो जो मान लीजिए कि एक पेपर स्ट्रिप है, उसकी जो लेंथ है वो है 15/2 सेंटीमीटर, राइट, एक पेपर स्ट्रिप की लेंथ 15/2 सेंटीमीटर है और उसको हमें कट करना है, राइट, इन द लेंथ ऑफ, मतलब के स्मॉलर स्ट्रिप इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर में, राइट। तो हर एक को 3/2 सेंटीमीटर स्ट्रिप में हमें कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा वो होगा 15/2, राइट, अपॉन 15/2 अपॉन 3/2, 15/2 / 3/2, तो उतने पीसीज हमें मिलेंगे टोटल। जब कभी भी हम लोग 15/2 सेंटीमीटर लेंथ वाली स्ट्रिप को 3/2 सेंटीमीटर लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप फाइंड करने के लिए 15/2 / 3/2 करना है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंपल वैल्यू से, लेट अस फाइंड 1/1/2, राइट, क्या फाइंड करना है हमें, 1/1/2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक नंबर हाफ है, राइट, और वन में से उस हाफ को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली 1/1/2 इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर हमें 2 मिलेगा, राइट। अब कैसे 2 मिला वो देखेंगे। तो 1, अब जो डिवीज़न में 1/2 है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, राइट, तो 2 × 1 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 1 × 2/1,
तो इसका जो आंसर होगा वो हमें बेसिकली 2 मिलेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि थस कॉमा 1 अपॉन 1 बाय 2, 1 अपॉन 1 बाय 2, राइट, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन 1, राइट। और सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल में यहाँ पर वो पूरा सर्कल हाफ हाफ में डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, राइट। तो हाफ जो पीसीज है उस टाइप के हमें यहाँ पर 2 पीसीज मिले, राइट, हाफ हाफ के 2 पीस मिलेंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे, सिमिलरली यहाँ पर 3 अपॉन 1 बाय 4 फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो 3 अपॉन 1 अपॉन 4, तो पर्टिकुलर हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए टोटल 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, राइट। फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकेंड सर्कल एंड दिस इज थर्ड सर्कल। क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, 3 अपॉन है तो इसलिए 3 सर्कल्स। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, राइट। सारे सर्कल्स को, तीनों के तीनों सर्कल्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब हर एक पार्ट का जो वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो वो 1 बाय 4 है, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 बाय 4, राइट। हर एक जगह पर इसका जो वैल्यू है वो है 1 बाय 4। सेकेंड सर्कल में भी सेम एज इट इज़ फर्स्ट सर्कल, तो 1 अपॉन 4, यहाँ पर भी 1 अपॉन 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 अपॉन 4 एंड लास्ट में भी ये 1 अपॉन 4। सिमिलरली जो हमारा थर्ड सर्कल है उसमें भी सारे के सारे पीसेस 1 अपॉन 4 पार्ट्स के ही है, राइट। हर एक पीस क्वार्टर पार्ट का है, 1 अपॉन 4, राइट। तो इस तरीके से हर जगह पर 1 अपॉन 4 पीसेस आ जाएंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो बेसिकली जो 3 है, 3 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 4 अपॉन 1 आ जाएगा क्योंकि ये डिवीज़न में था। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे कि 3 इंटू 4, मतलब के न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो 3 इंटू 4, यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 12 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 12 अपॉन 1। सो थस 3 अपॉन 1 अपॉन 4, राइट। तो 3 अपॉन 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड बाय 1, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 12। अब सिमिलर वे में हम लोग जो अगला एग्जांपल है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलर वे जो 3 है, 3 इज़ डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, राइट। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू द मल्टीप्लीकेशन 2 ऊपर आ जाएगा एंड 1 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लीकेशन, सो 3 इंटू 2 अपॉन यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। तो 3 इंटू 2, यहाँ पर आंसर 6 लिखेंगे, 6 अपॉन 1 अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें 6 ही मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 2 अपॉन 1, राइट। तो 2 अपॉन 1 अगर उसके हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करें, राइट, तो इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर इंटरचेंज करें तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। और 1/2 जो आंसर है राइट, वो 2/1 को इंटरचेंज करने से आया। सिमिलरली जो बेसिकली हमारे पास वैल्यू है जैसे कि 3/1, अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने से यहाँ पर आंसर आएगा 1/3 राइट। तो 3/1 इंटरचेंज होके 1/3 हो जाएगा राइट। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एक 7 वैल्यू है। अब 7 वैल्यू को उसी के रेसिप्रोकल के साथ, क्योंकि जब कोई भी हम लोग इंटरचेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल्स राइट, तो उसी के इंटरचेंज वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो वहां पर आंसर 1 होगा, क्योंकि 7 7 कैंसिल हो जाएगा राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास 1/9 है। अब 1/9 को अगर हम लोग इंटरचेंज करवाएं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर 9/1 आ जाएगा। तो 9/1 एंड 1/9 का मल्टीप्लीकेशन, उसका आंसर 1 हो जाएगा राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास अगली वैल्यू है 2/3, और उसी के रेसिप्रोकल के साथ, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल के साथ हम लोग अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल होके आंसर 1 बचेगा राइट। उसके बाद हमारी अगली वैल्यू है 5/4 × 4/5, उसी का रेसिप्रोकल। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई करवाएं, मान लीजिए कि यहाँ पर डायरेक्ट 5/4 न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लीकेशन एंड डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 4/5, तो 5/4 यहाँ पर आएगा 20, एंड 4/5 भी 20 आएगा। तो एज यूजुअल जो हमारा आंसर है वो 1 ही मिला राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है 2/7, तो 2/7 इंटू क्या करवाने से, कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 1 मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 7/2 करवाने से, उसके ही रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 1 मिलेगा राइट। यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारी एक वैल्यू है 5/9, तो कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर 1 मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसके रेसिप्रोकल के साथ, तो 9/5 करवाने से यहाँ पर आंसर हमें 1 मिलेगा राइट। तो इन जनरल हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि द नॉन ज़ीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट राइट, the non-zero numbers whose products with each other is 1 right are called reciprocals of each other right। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास 1/9 है राइट, तो 1/9 का रेसिप्रोकल राइट इज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 9/1 आएगा। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट सिर्फ हम लोग 9 लिख सकते हैं, 9/1 मतलब के 9, तो 1/9 का रेसिप्रोकल 9 मिलेगा। सिमिलरली 2/7 इज रेसिप्रोकल ऑफ 7/2 राइट। सो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर 2/3 की बात करें, तो 2/3
इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, राइट, एंड 5/7 इज रेसिप्रोकल ऑफ 7/5, राइट, 5/7 इज रेसिप्रोकल ऑफ 7/5. उसके बाद 1/1/2, तो 1/1/2, तो 1 × 2/1, तो 1 × रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, राइट, वही यहाँ पर लिखा है हमने. 3/1/4, तो 3 × 4/1, तो 3 × रेसिप्रोकल ऑफ 1/4. सिमिलरली 3/1/2, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या मिलेगा, 3 × 2/1, राइट, 3 × 2/1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 × रेसिप्रोकल, राइट, ऑफ 1/2. 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होगा, राइट. उसके बाद सिमिलरली 2/3/4, तो 2 × रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, राइट, तो इज इक्वल टू 2 × 4/3 आ जाएगा, राइट. सिमिलरली यहाँ पर 5 × रेसिप्रोकल, राइट, ऑफ क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/9. तो एज ए रिजल्ट 5 × 9/2 आ जाएगा, राइट, 5 × 9/2. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एज अ रिजल्ट हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि टू डिवाइड अ होल नंबर बाय एनी फ्रैक्शन टू डिवाइड अ होल नंबर बाय एनी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई दैट होल नंबर by the reciprocal of that fraction. Right? तो यहाँ पर एक होल नंबर को कोई भी फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करना है, राइट, तो बेसिकली उस होल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के रेसिप्रोकल के साथ, राइट. तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट हमें मिल रहा है इस डिवीजन में. तो अगला न्यूमेरिकल है, राइट, फर्स्ट उसमें वैल्यू 7/2/5, राइट, तो 7/2/5, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 7 × मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, तो वो हो जाएगा 5/2, राइट. अब डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 5/2, राइट, तो इज इक्वल टू 7 × 5, 7 × 5, 35, तो 35/2, एंड 35/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 17 1/2, राइट, 17 1/2, ओके. अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में 6/ यहाँ पर आ जाएगा 4/7, तो 6/4/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में पहले 6 × रेसिप्रोकल ऑफ 4/7, 7/4 आएगा. अब न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × 7/4, राइट,
तो 6 × 7/4। अब यहाँ पर बेसिकली 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, सो 3 × 7/2, राइट। तो 3 × 7/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर उसका आंसर मिलेगा 21। 21/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10 1/2, राइट। ओके, अब यहाँ पर थर्ड देखेंगे। तो थर्ड में जो वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे, तो 2/, वो वैल्यू है 8/9, राइट। तो इज इक्वल टू 2 × रेसिप्रोकल ऑफ 8/9, तो यहाँ पर आएगा 9/8, तो इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स, तो 2 × 9/8, राइट। तो 2 4 ज़ा 8, तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 9/4। अब 9/4 हमें मिला, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू 2 1/4, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी डिवीज़न को, कोई भी फ्रैक्शन वाले डिवीज़न को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, उसमें 4/ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब कि 2 2/5 इज इक्वल टू, तो हमें बेसिकली इस सिचुएशन में क्या करना है कि जब कोई भी होल नंबर को हमें मिक्स फ्रैक्शन के से डिवाइड करना है, तो तब मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग उसमें डिवीज़न फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 4/12/5 आ जाएगा, तो 4/12/5, राइट। तो 4/12/5, अब इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करें तो 4 × अब रेसिप्रोकल ऑफ 12/5 इज 5/12, राइट। तो अब यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, तो एज अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पर आंसर मिला 5/3, राइट। ये हमारा आंसर होगा। अब सिमिलरली जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें 5/3 1/3, राइट। सो बेसिकली 3/, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 10/3 मिला, राइट। तो अब यहाँ पर इज इक्वल टू 3/, यहाँ पर लिखेंगे 10/3, राइट। तो अब इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में लिखे तो रेसिप्रोकल ऑफ 10/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3/10 होगा, राइट। तो अब मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली, तो 3 × 3/10, तो 3 × 3/10 इज इक्वल टू 9/10 आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन जब कभी भी हमें मिले और मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना हो, राइट, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। जैसे कि अगला एग्जांपल है, राइट। अगले एग्जांपल में हमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो दी गई है, जो कि है 6, देन डिवाइड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16/3, राइट। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 6 के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल आएगा, तो 3/16, राइट। तो यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड होगा, 8 2 ज़ा, यहाँ पर आएगा 3 2 ज़ा, राइट। ओके, अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 3/8, तो 3 × 3 आंसर यहाँ पर मिलेगा 9 9/8, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर भी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली जो सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसको फाइंड करें, तो बेसिकली यहाँ पर है 7/, अब ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, राइट। तो 18/7 आ जाएगा, तो 18/7, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 7, अब मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल ऑफ 18/7, 7/18 होगा, राइट। अब यहाँ पर न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 × 7/18, राइट।
तो 7 × 7 आंसर मिलेगा 49, 49 अपॉन 18। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन जब कोई भी हो तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर आंसर को सॉल्व करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, राइट। तो डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है 3/4 और 3/4 को हम लोग एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 3। तो अब क्या करें, कैसे इसको कैलकुलेट करना है? तो बेसिकली क्या करना है कि 3/4 एज इट इज़ रखना है एंड जो हमारा डिवीज़न है उसमें यहाँ पर सिर्फ एक होल नंबर है, तो होल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो 3/1 लिख सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर फिर से हम लोग जो करते आए हैं वो ही करेंगे, 3/4 और फिर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब कभी भी लिखे तो डिवीज़न में जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, राइट। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, सो 3 × 1/4 × 3, तो 3 × 1 इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 एंड 4 × 3 इसका यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 12, राइट। तो एज अ रिजल्ट 3×4 = 12 होगा, तो यहाँ पर आंसर 1/4 मिलेगा, राइट। सिमिलरली हमारे पास दूसरी वैल्यू है जैसे कि 2/3, राइट। तो 2/3 डिवीज़न में, तो डिवीज़न में हमारे पास है 7, तो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखेंगे 2/3, देन डिवीज़न में सिर्फ एक होल नंबर है तो होल नंबर के डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 7/1, राइट। एंड इज इक्वल टू, अब जैसे कि यहाँ पर 2/3 वैल्यू है तो अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखना हो तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7, राइट। सो इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 1/3 × 7, राइट। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो इज इक्वल टू 2 × 1 = 2/21 आंसर आएगा, राइट। उसके बाद अगला एग्जांपल है 5/7, तो 5/7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वो जो होल नंबर है उसकी वैल्यू है 6, राइट। तो दैट इज इक्वल टू, अब पहले 5/7, अब डिवीज़न में हम लोग लिखेंगे जो होल नंबर है वो उसकी वैल्यू है 6/, हम लोग 1 लिख सकते हैं, राइट। सो इज इक्वल टू 5/7, अब डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन जब कोई भी लिखे तो उसके बाद आने वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। अब न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 1/7 × 6, राइट। तो 5 × 1 = 7 × 6 इज इक्वल टू 5 × 1 = 5 एंड 7 × 6 = 42 मिलेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास वैल्यू दी गई है 2/7, राइट। 2/7/8, 8 एक अगेन होल नंबर है, तो इज इक्वल टू 2/7 डिवाइडेड बाय 8/1, राइट। तो अब यहाँ पर 2/7 मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ दैट वैल्यू 1/8, राइट। तो इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 × 1/7 × 8, तो इज इक्वल टू 2/56। अब यहाँ पर टर्म्स कैंसिल हो सकती है, राइट। 2 × 20, राइट, 8 × 20, तो यहाँ पर हमारा लास्ट जो आंसर होगा वो मिलेगा 28। तो इस तरीके से डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर यहाँ पर हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेम टॉपिक के हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर है, जैसे कि 2 × 2/3, राइट, 5। तो पहले हम लोग जो करते आए वही करेंगे, यहाँ पर पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 8/3 आ जाएगा,
राइट, 8/3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 5, राइट। अब जो बेसिकली 8/3 डिवाइडेड बाय 5 है, राइट, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5/1, राइट, क्योंकि वो होल नंबर है। तो इसका जो रिजल्ट है इज इक्वल टू 8/3। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगा तो रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/5, राइट, और फिर न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 8 × 1/3 × 5, राइट, 8 × 1/3 × 5, तो 8 × 1 8 मिलेगा एंड 3 × 5 वो हमें मिलेगा 15, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर 4 × 2/5, राइट, इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 3, उसको 3 से डिवाइड किया हुआ है, तो इज इक्वल टू, अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे, राइट, तो 22/5 मिलेगा, राइट, 22/5, एंड डिवीज़न में हमारे पास है 3 × 1 लिख सकते हैं क्योंकि वो एक होल नंबर है, तो इज इक्वल टू, अब 22/5, राइट, एंड मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो यहाँ पर रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/3, तो इज इक्वल टू न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो 22 × 1/5 × 3 15, राइट, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 22/15, राइट। उसके बाद अगला एग्जांपल है वो है 2 × 3/5 डिवाइडेड बाय 8, राइट, तो इज इक्वल टू, अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 13/5, राइट, अपॉन होल नंबर, होल नंबर यहाँ पर है 8/1, राइट, तो इज इक्वल टू, अब 13/5 है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो यहाँ पर रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/8, तो इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, सो 13 × 1/5 × 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 8, राइट, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 13/40, राइट। उसके बाद एक और वैल्यू लेंगे, राइट, जैसे कि 4 × 2/5 यहाँ पर लिखेंगे 2, तो यहाँ पर जो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 22 × 5 अपॉन होल नंबर, होल नंबर यहाँ पर है 2, राइट, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, अब इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में लिखेंगे तो 22/5 × मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल आ जाएगा नेक्स्ट नंबर का, तो 1/2, अब इज इक्वल टू यहाँ पर 22 × 1/5 × 2, राइट, तो 2 × 11 यहाँ पर 22 मिलेगा, तो 11 × 1 यहाँ पर आ जाएगा 11, राइट, 11 एंड अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 5, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर्स का। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।